भारतीय संविधान हर एक नागरिक को, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, समानता का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो उन्हें कई खास अधिकार भी दिए गए हैं। इसलिए अब महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले के खिलाफ कानून भी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शोषण और शारीरिक शोषण के लिए कानून भी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं को सम्मानित और उनके हकों के लिए जागरूक किया जाता है। जी हां, पंजाब के मोगा में महिला दिवस मनाया गया और कई तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि यहां पर SD कॉलेज में इस खास अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मोनिका गर्ग, डॉक्टर कंचन गोयल, डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर गुरदीप कोहली ने शिरकत की और महिलाओं को उनके हकों को लेकर जागरूक किया और आज के समय में महिलाओं की समाज में क्या जगह है इसके बारे में जानकारी दी। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज इमेज कंसल्टेंट गुरदीप कोहली और मेरा आज के दिन पे ये मैसेज है कि विमेन शुड सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि व्हेन विमेन सपोर्ट ईच अदर देन इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन। तो आज का जो टाइम है, विमेन एक दूसरे से कम्पीट ना करें, विमेन एक दूसरे को सपोर्ट करें और विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है एक दूसरे को एम्पावर करना। सो आज का ये मेरा मैसेज है, लेट्स राइज, लेट्स शाइन, लेट्स सपोर्ट ईच अदर। तो हम सब विमेन एक दूसरे की सपोर्ट बने, ताकत बने और ये जेलेस और हेट्रेड अपने जो दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। मैम, देखा जाए तो अभी भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, सरकारें बहुत जोर लगा रही हैं, डेली हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो आप क्या कहेंगे सरकारों के, वो क्या इस पर ध्यान देना चाहिए? मेरा यही मैसेज है कि गवर्नमेंट को कि जितना ज़्यादा एजुकेट किया जाए, बिकॉज अगर एक वुमेन एजुकेटेड है तो उसको अपने हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल पता है। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट दिस टू ऑल दी गवर्नमेंट्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशन दें और वुमेन को अगर एम्पावर करना है तो उसको एजुकेट करें। सो जहाँ अगर घर घर एजुकेट होंगी वुमेन तो वो अपने आप में असर्टिव होंगी, उन्हें पता होगा कि हमारे हक क्या हैं। सो अपने हक के लिए, उनको जानकारी होने के लिए उनको एजुकेशन सिस्टम जो है एजुकेट करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को SD कॉलेज में सभी लड़कियां हैं, तो मैं सोचती हूँ बच्चे पढ़ लिख के आगर आएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं। जब तक कोई लड़की नौकरी नहीं करेगी तब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। अर्थ की दृष्टि से देखें तो पैसा से अपने स्वाभिमान के बारे में सोच सकती है। सबसे पहले उसका स्वाभिमान है, अस्तित्व है, पहले उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके बाद सब कुछ। अस्तित्व है तो हक है। तो आज क्या मैसेज दिया गया जो? आज मैसेज ये है, वुमेन्स का दिन केवल एक दिन नहीं होना चाहिए साल में, पूरे 365 दिन उसके होने चाहिए। अगर इज्जत करनी है तो 365 दिन उसकी इज्जत करनी चाहिए। एक दिन, एक मिनट, एक घंटा किसी बोल, कोई बोल कर चले जाए, भाषण देकर चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मानवतावादी में पुरुष स्त्री हर घर में स्त्री की इज्जत होनी चाहिए। पहले एक टाइम था जब सभी कहा करते थे कि होते ही पैदा बेटियां लगती हैं बोझ पर, होते ही पैदा बेटियां लगती हैं बोझ पर, बेटों से बढ़कर प्यार ये पाती हैं बेटियां। जब हो गई जवान तो मेहमान बन गई, जब हो गई जवान तो मेहमान बन गई, हर चीज़ पर हक अपना जताती हैं बेटियां। अपनी तुम्हारी बात क्या कहूँ साक्षी, हर राजाओं के भी सर को झुकाती हैं बेटियाँ। नाउ द टाइम हैज़ चेंज, टुडे वुमेन आर वेरी मच एम्पावर्ड, दे आर एजुकेटेड एंड दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे कैन डू एनीथिंग बाय एजुकेटिंग देमसेल्स एंड इन दिस कॉलेज ST कॉलेज फॉर वुमेन वी आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड फॉर गिविंग देम गुड एजुकेशन एंड बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन वी फील वेरी मच प्रिविलेज्ड।